पंजाब नूं नशा मुक्त किया जाए। भाई फोन बड़े आ रहे, फोन लाई जाते बिचे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सारा अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हम बम भोले। सो नंबर एक, बहुत लोग बड़े पुठे सिद्धे जे सवाल पूछते हैं कि मैं असलम वाले कुम क्यों बोलती हाँ, मैं सिखा की कुड़ी हाँ, मैं जय श्री राम क्यों बोलती हूँ। देखो जी, मैं पहले भी बड़ी क्लीयर गल की थी, अब हिंदी में बोलती हूँ। मैंने पहले एक बात बड़ी क्लीयर की थी कि मैं हर एक रिलीजन से मोहब्बत करती हूँ, मुझे हर एक रिलीजन से बेपना मोहब्बत और प्यार है, और मैं हर एक रिलीजन का तह दिल से सत्कार करती हूँ। क्योंकि मेरी जो एक नज़र है, आप लोगों ने बांटा हुआ अपने भगवानों को अपने 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 चूज कर लिए, मुझे तो सब एक सी लगते हैं। चाहे मैं गीता पढ़ लूँ, चाहे मैं बाइबल पढ़ लूँ, चाहे मैं कुरान पढ़ लूँ, चाहे मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ लूँ, मुझे तो सभी एक से लगते हैं। सबके जो उपदेश हैं, उसमें जो शिक्षा है, लेसन है, मुझे तो सब एक सा लगता है। मेरे लिए सब एक है, क्योंकि मैंने तो अपनी इस ज़िंदगी में उनको कभी अपनी आँखों से अलग लोगों को देखा नहीं ना। तो हम जब बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो जो माँ बाप सिखाते हैं, हम लोग वो सीखते हैं। तो अब मुझे इस बात पे आप कमेंट मत कीजिए कि मैं इतने अस्सलाम वालेकुम क्यों बोलती हूँ, मैं जय श्री कृष्ण। अब आई होप कि मैंने आपको आंसर दे दिया है। नंबर दो, अब ये निहिंग बोल रहा है कि इसको बड़े फ़ोन आते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त कैसे करना है। हाय, कितना खुशनसीब बंदा ये। देखो, इसको फ़ोन आते हैं, आइए आइए, ज़रा सुनिए, इसको फ़ोन आते हैं, ठीक है। अमृतपाल को भी बड़े फ़ोन आते थे, अमृतपाल को बड़ा, वो जो मूतपाल है इनको, वो बड़ा जोश चढ़ा हुआ था पंजाब से नशा मुक्त करना। अरे, बड़े बड़े सूर में महायोद्धे, बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर आए, कमबख्त कोई नशा नहीं ख़त्म कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि किसी ने कभी कोशिश नहीं करने की। वो नशा ख़त्म करने की जो एक मुहिम चलती है ना पंजाब में, उसके पीछे मकसद कभी समझा आप लोगों ने? उसके पीछे मकसद होता है कुर्सी, सत्ता में घुसने का, राजनीति में एंट्री कैसे करनी है। तो नशा छोड़ाएंगे, ऐसा अभियान चलाएंगे, पंजाब के लोग हमारे पीछे लग जाएंगे, फिर हम धीरे 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 राजनीति में आ जाएंगे और कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और कुर्सी पे बैठ के अपने बड़े बड़े महल, बंगले और बैंक बैलेंस और महंगी गाड़ियां बनाएंगे। बस ये होता है इनका, और आप लोग इनके पीछे लग जाते हैं। अब ये मूतपाल आई, ये भी तो बड़े जोर से आया था नशा छुड़ाने। इसका तो खुद का भाई इतने नशे करता कि नशे करके अपने बीवी से मार पिटाई करके उसको घर से निकाला हुआ है। अब किस किस पे भरोसा करेंगे आप लोग? तो बोल रहे हैं कि अमृतपाल बीजेपी का खास बंदा है, क्या भरोसा करेंगे बताइए। माँ बोलती है कि मेरे बेटे का खालिस्तानियों से कोई लेन देन ही नहीं है, पूरे फैमिली के पतंदर के बयान ही सबके अलग अलग है, किसी के एक भी आपस में जो इनका एक भी एविडेंस स्टेटमेंट है ना, वो मैच ही नहीं होती है। अब ये नया जाली, नया अंगूठा, ये बोल रहा है कि हाँ, सिर पे पगड़ी बांध के ये लोग अपने मियाँ बीबी चुम्मा चुम्मिया की वीडियो बनाते हैं, नेहा कक्कड़ ऐसे करती। अरे, इस महोदया को तो इतनी तकलीफ हो रही है, पता नहीं अपनी बीवी के साथ क्या करता होगा। सोचिए, इसको पूछिए कि जब तू काम वस्त्र मुंद्रा में अपनी बीवी को चुम्मा चुप्पी नहीं करता होगा, तो या उसको टच नहीं करता होगा। तो भाई, तुम लोगों अनएजुकेटेड पीपल, तुम लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, पहले मुझे लगता था कि तुम लोगों को छित्रों की जरूरत है, छित्र परेड हुई नहीं, वो तुम्हारे लोगों के साथ ना बड़ी नाइंसाफी होगी। तुम लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, तुम लोगों को पहले स्कूल में भेजा जाए, कॉलेज में बुक्स पढ़ो, एजुकेट हो। तुम लोगों में एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, औरत से खास तौर पे कैसे बात करनी, ये तो तुम लोगों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो मैंने अपनी आंखों से बड़ी बार देखा है। तो भाई, अब इसको भी सत्ता की आग लगी है, जैसे अमृतपाल आ गया था और एमपी बन गया, अभी ये सोच रहा है मैं भी ऐसे कुछ काम करूंगा और शायद धीरे धीरे सिखों की नज़रों में आ जाऊंगा, सिख सारे मेरे पीछे लग जाएंगे। कितना ईजी हो गया ना पंजाब में, मतलब पंजाबियों को बेवकूफ बनाना। ये जो चोला है, ये निहंगों का है ना, जिनको कुछ लोगों ने इसका घघरी गैंग नाम रख दिया, चोले वालों का, कुछ लोगों ने ब्लू घघरी, ब्लू ड्रेस, तो पता नहीं क्या क्या लोगों ने उस चोले का नाम रखा। वो बड़ा पवित्र चोला है, पर वो चोले के अंदर जो भेड़ी है ना, चोला बुरा नहीं है, वो निहंगों का बाना बुरा नहीं है, उसमें जो भेड़ी है लोग छुपे है ना, वो कमीने भेड़ियों को उन चोलों से बाहर निकालना। तो ये ऐसे बंदे की आप ना हिस्ट्री निकालो, इसकी हिस्ट्री निकाल के चेक करो, ये एक नंबर का हरामी होगा, औरतों के साथ बदसलूकी करने वाला बंदा होगा, खुद अपने घर में बीवी मार पिटाई करता होगा, और बाहर ये लोग प्रवचन देते हैं बहुत बड़े बड़े। अब इसको भी पंजाब को सुधारना है,
तो पंजाब का जो मुख्यमंत्री है भगवत मान, वो तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो बेचारा सो रहा है। और जो पंजाब में एमएलए एमपी वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो तो सो रहे हैं, उनको किसी को कोई फिक्र नहीं है। इसको महोदय को फिक्र है, इसको इतनी फिक्र है कि पंजाब में ये जो पगड़ी बांध के टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, चुम्मा चप्पी वाले, बस ये बंद करा दूंगा मैं। कैसे करा देगा पंजाब बंद? अभी बोल रहा हमने किसी डीएसपी को भी कंप्लेंट की है, तो वो डीएसपी का नाम मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर वो डीएसपी इस वीडियो को सुन रहा है या मेरी वीडियोस तक जा रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट इस डीएसपी से कि वो डीएसपी इसीलिए बना होगा ना कि वो एजुकेटेड है, उसने पढ़ाई लिखाई की, कोई एंट्रेंस टेस्ट पास किया तो डीएसपी की पोस्ट में गया, तो उसको भी पता होगा कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, एंड यू हैव नो राइट टू इंटरप्ट टू एवरी वन इज अ पर्सनल लाइफ, राइट? तो ये कौन होता है किसी को वीडियो बनाने रोकने से? और ये पगड़ी बांध के कर रहे हैं भाई, पगड़ी बांध के, तो मैंने आगे भी वीडियो में बोला था, पगड़ी बांध के तो सरदार बहुत गंदे गंदे काम कर रहे हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं, ट्रकों में भर भर के कनाडा में ड्रग जितने भी आते जाते हैं, पगड़ी वाले सरदार पकड़े जाते हैं, तो उनका क्या कीजिए, वो ड्रग कहाँ जाता है? बच्चों की नसों में भर रहे हैं ना, नौजवान पीढ़ियों की, तो पगड़ी वाले तो सरदार, मैंने आगे भी बोला कि कोई देह व्यापार के धंधे में भी घुसे हुए, तो उनका क्या करेंगे आप लोग? और नंबर दो कि वो जो लड़का है सहज अरोड़ा, उसने अमृत तो शका नहीं और शिर साहब भी नहीं डाला, तब तो मैं मानू कि अमृत शक के वो ऐसी मर्यादा का अपमान कर रहा है, पर पगड़ी बांधने से उसको कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी जात पे भी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि वो सिख ही नहीं है, उसका तो पिछोकड़ ये था, वो तो ऐसा था, वो तो सिख बना है, ये ऐसे ही करते हैं हरामजादे। मैं प्योर पंजाबी जट्टां दी कुड़ियां सिखां दी, तो मुझे कभी बम नहीं बना देते हैं, कभी मुझे क्या बना देते हैं, क्योंकि मैं इनके विरुद्ध हूँ, मैं सिख कौम के विरुद्ध कभी भी नहीं हूँ, मैं ऐसे जाली सिखों के विरुद्ध हूँ जिन्होंने हमारी कौम की नाक डुबा दी और गंद डाल दी। सो मैनू ये नहीं समझ आती, मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रही हूँ इस बात को कि ये कौन है यार। हर महीने, हर 2-3 महीने के बाद एक नया निहंग आ जाता है अपनी एक स्टोरी लेके, पंजाब को सुधारना है इन लोगों को। पंजाब को अगर सुधारना है ना, तो उसके और भी बड़े तरीके हैं, पर आप लोग सही तरीके से चल ही नहीं रहे हैं, आप लोग पब्लिक के स्टंट खेल रहे हैं। मैंने पहले भी बोली थी एक बात, पंजाब को सुधारना है तो सबसे पहले जो ये जाली बाबे बैठे हुए हैं ना, जो गांव की बोली बाली लड़कियों को, औरतों को भय फुसला के उनका शोषण कर रहे हैं, पहले उन बाबों के डेरे बंद कीजिए पंजाब में। ये जो सिख पगड़ी बना के वीडियो डाल रहे, इस पे ध्यान कम दीजिए भाई, पहले जहाँ असली औरत का शोषण हो रहा है, जिस जिस जगह पे औरतों के शोषण हो रहे हैं, पहले उस जगह का सुधार कीजिए। आपको क्या लगता है पंजाब पुलिस में जितनी ये लड़कियां फीमेल्स काम कर रही हैं, इनकी पोस्टिंग के लिए स्कैन के शोषण नहीं होते? अरे बड़े ऑफिसर्स इन लोगों के शोषण करते हैं। ट्रांसफर लेना है, चलो भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगवानी, कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो ये बंद करवाइए पहले पंजाब में, औरत को सुरक्षित कीजिए पंजाब में। जिस मुल्क में, जिस देश में, जिस जिले में जब औरत सुरक्षित होगी ना, तभी मर्द सर उठा के चल पाएगा, उसे फक्र महसूस होगा कि हमने अपने इस देश की औरतों को इतनी सुरक्षित किया हुआ कि आज को इनको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल भी नहीं सकता। फिर तो मैं मानूं भाई निहंगों ने बहुत बड़ा काम किया, पर ये तो क्या, जो कोई आता है एक ही मुद्दा पकड़ता है, कुल्हड़ पिज्जा वाले, क्योंकि उनका मुद्दा बना हुआ है ना, तो ईजिली उन पर हाथ डालने लोगों को ईजिली हो जाता है। छोटी उम्र के हैं वो, तो अभी इतनी अकल नहीं है और धाकड़ नहीं है, धाकड़ तो बोले तो बिंदास, मेरे जैसा बंदा और पंगा लेके देखेंगे, और मेरी ऐसी दुकान और उसके सामने आके खड़े होके भी देखें, इनको ऐसा पकड़ के घुमाऊंगी ना, वो रेखा जी का मुजरा नहीं, नाकों की मस्ती के, वो पकीजा का मीना कुमारी जी का गाना था, कौन सा था वो, इन्हीं लोगों ने लिया दुपट्टा, जब वो घूमती है तो उनका घघरा कैसे घूमता है, ऐसे बम्बेरी की तरह घुमाऊंगी। तो ये लोग हमेशा उसी बंदे पे वार करेंगे, ये जाली नहीं, जो भी नहीं पता होता है बंदा कमजोर है, और जो बंदा दमदार है ये फटकते भी नहीं है उसके पास। तो पुलिस से, प्रशासन से मेरी विनती है, पंजाब की पुलिस से, कि इनकी जो गुंडागर्दी है ना भाई, लगाम डाल लीजिए, समय रहते लगाम डाल लीजिए, ये तो पंजाब तालिबान बनने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको।